हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की शुरुआत कीजिए प्यारे प्यारे फूलों से और ये छोटी सी मानो से। ये मानो जी सो रही थी और बहुत प्यार से सो रही थी। रहीम उसे सोने नहीं दे रहा था, वो बेचारी को तंग कर रहा था और वो उठ नहीं रही थी। तो बहुत क्यूट सी लग रही थी, पर ये बात थी जी नींद की बड़ी पक्की थी वो। तो ये देखिए जी, अब हम आ गए थे जी नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे जी बुफे स्टाइल में ब्रेकफास्ट होता है। आपकी मर्ज़ी है, जब आप हॉलीडेज़ बुक करें आप ऑल इंक्लूसिव भी करवा सकते हैं। हम लोगों ने ऑल इंक्लूसिव करवाया था, वो इजी रहता है क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं और इसीलिए आप एनी टाइम कुछ भी ले सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप ऑल इंक्लूसिव करवाएं या फिर आप अपनी मर्ज़ी से ऑन सेल्फ लें। और आज हम जा रहे हैं जी बाज़ार जा रहे हैं। यहाँ का जी एक प्लानी बाज़ार है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो सोचा चलें आप सबको दिखाएं। मेरी सिस्टर मुझे मैसेजेस कर रही थी आप मार्केट भी जाएं, मार्केट भी दिखाएं। तो मैंने सोचा चलें जी आज का डे आप सबके लिए, मार्केट जाऊँगी मैं और देखूँगी वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, किस टाइप का बाज़ार है। आप सबको भी चलें जी, अभी हम आ गए थे जी वॉक करके और यहाँ से हमने ली थी जी बस। और यहाँ पे जी बस होती है सेम ऐसे पाकिस्तान की बस, और इतनी याद आई यहाँ पे पाकिस्तान की और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान के। जब इंडोर थे हम लोग थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, जब आउटसाइड आए हैं तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। बिल्डिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, पर यह कि लुक वाइज सेम पाकिस्तान लगता है हमारा। माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान इतना प्यारा है। तो ये था जी मार्केट का व्यू आउटसाइड से। यहाँ पे मोस्टली उन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं, मैंने जितनी भी मार्केट्स देखी हैं सेम स्टॉल्स लगाए होते हैं। बाहर इनसाइड भी मार्केट है तो उन्होंने बाहर सारा सेटअप बनाया हुआ है और उसके सामने ही ये रेस्टोरेंट था। यहाँ पे जी मैं आ गई थी लाइट शॉप में। यहाँ पे बहुत प्यारी टर्किश लाइट्स थी, लैंप्स थे और काफ़ी ज़्यादा जैसे कि शंडलिए टाइप की लाइट्स भी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी घर के लिए भी। और इधर प्लेट्स भी बहुत प्यारी थी, जैसे कि आप बॉल कह लें, सैलड बॉल वगैरह बहुत नाइस थे। तो मेरा जी बन रहा था जी प्लान लेने का और ज़िया का मूड इतना नहीं था। आपको पता है जब लेडीज़ शॉपिंग पे जाएं तो कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। तो अभी देखें जी क्या होगा, लेंगे नहीं लेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। पर एनीवे मैं विज़िट करने के लिए आई थी आप सबके लिए। तो यहाँ पे लाइट्स बहुत प्यारी हैं और आप देख सकते हैं। जी अब मैं आ गई थी अपनी सिस्टर की मोस्ट फेवरेट शॉप पे, जो कि मेरी भी मोस्ट फेवरेट हैं। और यहाँ पे देखें जी कितनी खूबसूरत रिंग्स भी हैं और नेकलेस हैं, पेंडेंट सेट बने हुए हैं और मुझे रिंग्स बहुत पसंद हैं। मैं जब भी किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाती हूँ तो मुझे जस्ट रिंग्स बहुत, मैं कहीं पे भी जाऊँ मैं रिंग ज़रूर देखती हूँ। और यहाँ पे रिंग्स तो बहुत प्यारी थी और जो ये स्टोन्स थे ये रियल स्टोन थे और सिल्वर में थे। आपको यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड भी मिल सकती हैं और आपको यहाँ पे रियल गोल्ड भी मिल सकता है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये बहुत नाइस और एलिगेंट सा डिज़ाइन था जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये वाला, और बहुत ही क्यूट रिंग्स थे।
आपको रिंग्स दिखाती हूँ, इतने खूबसूरत रिंग्स हैं। तो मैंने सोचा चले जी मार्केट आई हूँ, मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये उन्होंने काफ़ी सारे निकाले हैं। ये स्टोन बहुत प्यारा है, ये देखिए जी, ये बहुत प्यारा रिंग लग रहा है मुझे। इनमें से जो रिंग पसंद आया वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ये रिंग, ये आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना एंटीक लग रहा है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी है इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही। और ये रिंग भी बहुत प्यारा है, आजकल डबल रिंग का फैशन है। तो आप ये देखें, ये बहुत प्यारा है। तो प्राइजेस भी रिजनेबल हैं, और पर ये प्योर चांदी के रिंग हैं। इनके पास 22 कैरेट भी है और बहुत एलिगेंट है। तो नहीं जी, अब यहाँ पे मुझे एक नेकलेस पसंद आ गया था जो अभी आपने मेरे हाथ में देखा है, पर प्रॉब्लम ये आ रही थी जी, इधर इसके साथ इयररिंग मैचिंग नहीं थे तो इसीलिए मैंने इसे नहीं लिया। तो एनीवे इनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और बहुत क्यूट क्यूट सी थी, रिंग्स भी थे, नेकलेस भी थे, आप कुछ भी ले सकते हैं। इनकी शॉप अच्छी थी, मैंने नेम भी मैंशन की है, अगर किसी ने भी विज़िट करना है आप आ सकते हैं। और ये मेंस के लेदर बैंड्स भी थे, और इनकी अदर साइड दूसरी साइड डायमंड स्टाइल में इनके पास डायमंड कट में रिंग्स भी हैं, इनके पास नेकलेस भी हैं। और आप ये देखिए, जिसे मैंने क्लोज़ किया है, ये नेकलेस बहुत प्यारा था, चेन स्टाइल में था, और ये पेंडेंट बहुत प्यारा था ये भी। तो मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद जी हम लोग आ गए थे जी KFC, और बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, और आपको पता है बच्चे शॉपिंग पे कहाँ पे खुश होते हैं। जो मदर्स मुझे सुन रही हैं वो डेफिनेटली एग्री करेंगी इस चीज़ को बच्चे। और यहाँ पे जी KFC तो लिया, यहाँ पे इतनी सारी कैट्स आ गई थी, मोहम्मद समीर रहीम इतना खुश हो रहे थे कि हम लोगों ने इतनी सारी कैट्स देख ली हैं, क्योंकि इस तरह हमने उन बच्चों ने कभी भी नहीं देखा। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और साथ साथ उनको भी खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे, और वो बेचारी KFC नहीं खा रही थी, चिप्स भी दे रहे थे और चिकन के पीस भी दे रहे थे और वो नहीं खा रही थी। बहुत मुश्किल से कोई थोड़ा बहुत खाया होगा। बच्चों ने तो KFC खा लिया था, मैंने और ज़िया ने सोचा चलें जी आज मैं और ज़िया कुछ ट्राई करते हैं कुछ खाने के लिए, बारबेक्यू वगैरह। और यहाँ पे जी हम लोग आए थे, ये रेस्टोरेंट जी अच्छा लग रहा था और सोचा था कुछ डिफरेंट खाएंगे आज हम। यहाँ पे जी हमने बारबेक्यू ऑर्डर दिया था और साथ में स्पिनिश थी और वाइट राइस थे, और रहीम ने भी हमारे साथ बहुत इंजॉय किया था। तो चलें जी, हम करते हैं जी व्लॉग का एंड। अपनी दुआ में हमें ढेर सारा याद रखें, आप हमारी दुआ में शामिल हैं, और ऐसे ही मैं आपके लिए न्यू व्लॉग लेकर आऊँगी जितने टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे वाईफाई का, जिसकी वजह से मेरा एवरीडे का व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा, पर बाय द टाइम मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ साथ साथ अपलोड करने के लिए। अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।